हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो टुडे वी आर गोइंग टू मेक अ चीज केक बिकॉज टुमारो इट्स माय मॉम्स बर्थडे एंड वी आर गोइंग टू मेक अ चीज केक फॉर हर बर्थडे। आई लव यू मम्मी। सो वी हैव दिस बिस्किट। सबसे पहले हम लोग इनको क्रश करने वाले हैं एंड सबसे पहली जो लेयर होती है, बेस होता है, उसको बनाने वाले। We have grinded इसको अच्छे से एंड अब इसको मैं इसमें ट्रांसफ़र कर रही हूँ। थोड़ा बहुत रह रहा है, वो अभी हम दोबारा एक बार करेंगे। हम लोग क्रीम चीज की जगह क्रीम स्प्रेड ले आए हैं। व्हाट? आई नो इट्स अ ह्यूज 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 ब्लंडर दैट वी हैव मेड, बट अब कल मम्मी का बर्थडे है, सो वी हैव टू बेक द केक आज अभी। अगर बन पाए तो अच्छी बात है, अदरवाइज वी ऑलवेज हैव एन ऑप्शन, मार्केट से जाके ले आएंगे। दैट्स द ओनली ऑप्शन वी हैव। हम जो चीज स्प्रेड लाए हैं उसको हम एक बोल में ट्रांसफर करते हैं एंड देखते हैं कि उसमें कोई एक्सपेरिमेंट करके हम उसको अच्छा बना सकते हैं किसी भी तरीके से या नहीं। तो जो हम चीज़ स्प्रेड लाए हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा सॉल्ट है। हम लोगों ने पहले ध्यान नहीं दिया कि उसमें इतना सॉल्ट है, क्योंकि उसके ऊपर लिखा था पैकेट के ऊपर कि इट कैन बी यूज फॉर बेकिंग। अब हमको लगा कि वो बेकिंग के लिए है, तो उसमें नहीं होगा इतना सॉल्ट। नॉर्मल सॉल्ट थोड़ा बहुत तो होता ही है, बट उसके अंदर बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में सॉल्ट है। अब हम देखते हैं कि हम उसको थोड़ा सा मीठा बना सकते हैं या फिर कुछ और कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम उसको मीठा भी बना लेंगे बट जो टेक्सचर होता है एक क्रीम चीज़ का वो नहीं आ पाएगा। सो गाइस, वी वर आस्किंग चैट जीपीटी की मतलब हमें क्या करना चाहिए। सो दिस इज़ द रिस्पॉन्स। बस बताऊँ तो कोई आइडिया नहीं कि अच्छा बनेगा, बट लेट्स सी कि क्या बनता है। हम कुछ भी कर रहे हैं, ये चीज केक ही था। अरे तो लोगों को पता चलना चाहिए ना, फेलियर्स भी नहीं पता चलना चाहिए। ऑलवेज हाइड योर फेलियर्स। सो नाउ वी आर गोइंग टू ऐड फ्रेश क्रीम। इसमें थोड़ी सी क्वांटिटी आप ज़्यादा डालना। इसके बाद आई हैव ऑल्सो एडिड कंडेंस मिल्क एंड कंडेंस मिल्क की क्वांटिटी भी मैंने जो फ्रेश क्रीम है उससे थोड़ी सी ही ज़्यादा रखी थी। सो हमारी जो चीज़ क्रीम थी, बेसिकली चीज़ स्प्रेड टर्न इनटू अ चीज़ क्रीम, उसको हम लोगों ने और फ्रेश क्रीम एंड कंडेंस मिल्क इसको अच्छे से मिक्स किया एंड देन उसके बाद मैंने यहाँ पे डाला वनीला पाउडर। बेसिकली इट्स अ रिप्लेसमेंट ऑफ वनीला एसेंस, मैंने उसको यूज़ किया है यहाँ पे। उसके बाद मैंने ऐड करा है थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर, जो कि इसलिए ऐड किया था कि ताकि इसकी कंसिस्टेंसी अच्छी हो जाए थोड़ी, एंड ये यूजुअली भी यूज़ होता ही आई गेस। फिर उसके बाद हमने जो बिस्किट्स का बेस बनाया था उसको मैंने रेफ्रिजरेट किया था 30 मिनट्स तक। उसके ऊपर मैंने ये बैटर डाल दिया जिसकी कंसिस्टेंसी ओके आई है। आई मीन इसको शायद थोड़ा और ज़्यादा यू नो थिक होना चाहिए था, बट इट्स ओके, मतलब ऐसा लग रहा था कि ठीक ठाक बन जाएगा। उसके बाद हमने इसको एयर फ्रायर में बेक होने के लिए रख दिया। उसको कवर किया था हमने, जो टिन में ट्रांसफ़र किया था उसको हमने कवर किया था, बट एयर फ्रायर में कुछ हो नहीं रहा था इसलिए हमने इसको माइक्रोवेव में रखा एंड ये कुछ इस तरीके से बन के आया था। सो गाइज, जैसे तैसे करके वी आर फाइनली डन विद द केक। हम लोग बना तो चुके हैं, देखते हैं कि वो क्या बनता है, बट कुछ मिस्टेक्स थी ऑब्वियसली, वो मैंने आपको बताया ही। तो कंसिस्टेंसी उसकी वजह से अच्छी नहीं आई थी, जिसकी वजह से वो यू नो बेक नहीं हो पा रहा था अच्छे से। तो अब देखते हैं कि कल सुबह वो खाने में कैसा लगता है। ये ओवरनाइट रेफ्रिजरेट होने के बाद कुछ इस तरीके से लग रहा है। इसके ऊपर हमने बिस्कॉफ स्प्रेड लगानी थी, बट मन ही नहीं हुआ लगाने का, बिकॉज ये बहुत ओकेश लग रहा था, तो मन नहीं होता कि उसको भी ख़राब करें। तो हम इसको अब टेस्ट करते हैं। सो दिस इज़ गोइंग टू बी माई ऑनेस्ट ओपिनियन। तो मैं भी थोड़ा धीरे बोलूँगी क्योंकि घर पे सब सो रहे हैं। तो केक जो था वो काफ़ी ओकेश बना था, मतलब फर्स्ट बाइट में मुझे अच्छा लगा था, क्योंकि बिस्किट का जो टेस्ट था वो काफ़ी ओवर पावरिंग था। तो आप ये कह सकते हो कि बिस्किट ने हमें बचा लिया या फिर हमारे केक को बचा लिया। तो बिस्किट्स की वजह से उसका टेस्ट थोड़ा ठीक आ रहा था, बट जो ऊपर का जो हमने पूरा मिक्सचर डाला था वो शायद अच्छे से बेक नहीं हो पाया, क्योंकि उसमें
चीज़ें ही या फिर इंग्रेडिएंट्स ही ऐसे ही थे जो अच्छे से बेक हो पाए, बट वो चीज़ केक की तरह नहीं था, बट स्टिल जो भी बना था वो अच्छा था। एंड ऑल्सो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय।